हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं विंडोज टेक सॉल्यूशन। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इस तरह का ब्लू स्क्रीन का एरर आ रहा है, जैसे आपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को ऑन किया इस तरह का ब्लू स्क्रीन का एरर आ गया, या फिर आप अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं और काम के बीच में आपको इस तरह का ब्लू स्क्रीन का एरर आ रहा है, तो इसके बेसिकली दो रीजन होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर रीजन, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर रीजन। हार्डवेयर रीजन होता है अगर आपने रिसेंटली कोई नया हार्डवेयर अपने सिस्टम में ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपने हार्ड ड्राइव चेंज करी है, या फिर आपने कोई रैम अपने सिस्टम में नई लगाई है, या फिर आपने कोई ग्राफिक कार्ड अपने डेस्कटॉप में लगाया और उसके बाद से आपको कोई सा भी नया हार्डवेयर लगाने के बाद से आपको ये इशू आ रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि उस हार्डवेयर की इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से आपको ये इशू आ सकता है। इसको फिक्स करने के लिए आप वो हार्डवेयर, जो नया हार्डवेयर आपने लगाया, उसको निकाल दो, इशू सॉल्व हो जाएगा। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर इशू। अगर आपने रिसेंटली कोई नया सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया, या फिर कोई नया गेम अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया, उसके बाद आपको ये एरर आ रहा है, दैट मीन्स कि उस सॉफ्टवेयर की इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से आपको ये इशू आ रहा है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप दोनों को फिक्स कर सकते हो। अगर हार्डवेयर इशू है तो बेसिकली आप उस नए हार्डवेयर को अपने सिस्टम से निकाल दो, बट आपने अगर रिसेंटली कोई सा भी नया हार्डवेयर अपने सिस्टम में नहीं लगाया, उसके बाद भी आपको ये एरर आ रहा है, दैट मीन्स कि सॉफ्टवेयर का इशू है, तो उसको फिक्स करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रेस एंड होल्ड करके पावर बटन को अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप जो भी है उसको शट डाउन कर दो। प्रेस एंड होल्ड करो, शटडाउन हो गया। अब हम अपने सिस्टम को एडवांस मोड में ओपन करेंगे। तो एडवांस मोड में ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सिस्टम को ऑन करना है। जैसे ये ऑन होगा, जैसे मेरे को यहां पे विंडोज का लोगो दिखेगा, उसके बाद मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करके, जैसे विंडोज का लोगो दिख रहा है, प्रेस एंड होल्ड करके मैं इसको शटडाउन कर दूंगा फोर्सफुली। ऐसा मुझे 2 से 3 बार करना है। मैं फिर से ऑन करता हूं, ऑन हुआ। विंडोज लोगो का वेट करना है आपने, जैसे ही विंडोज लोगो दिखेगा फोर्सफुली इसको शट डाउन कर देना है, और 2-3 बार करेंगे तो वो एडवांस रिपेयर का एक मोड होता है वो ओपन हो जाएगा। वेट करते हैं पहले विंडोज लोगो के आने का, और ये प्रोसेस आपने कोई सा भी लैपटॉप हो, कोई सा भी डेस्कटॉप हो, आपने सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। शट डाउन हो गया, फिर से ऑन करते हैं, ऑन हुआ फिर से। विंडोज लोगो का वेट करना है आपने थोड़ा, जैसे ही विंडोज लोगो आएगा आपने फिर से फोर्सफुली इसको शट डाउन कर देना है। अब देखिए यहां पे, अब आप देखने वाली चीज ये है कि अब आपको ऑफ नहीं करना। नीचे आप देख सकते हैं आपको एक लाइन मिल गई है, प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। जैसे ये लाइन आपको दिखेगी आपने इसको फिर शट डाउन नहीं करना फोर्सफुली, दैट मीन्स कि अब ये मतलब जो एडवांस मोड में ओपन होने जा रहा है, तो इस लाइन को आपने देखना है, प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। जैसी ये लाइन आ जाए आपने रुक जाना है। ये देखिए यहां पे आपका एडवांस मोड ओपन हो चुका है, ये रहा हमारा ऑप्शन एडवांस ऑप्शन। अब हम इस पे जाके क्लिक करेंगे एडवांस ऑप्शन पे, इस तरह का विंडो खुलेगा। आपने क्लिक करना है ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पे, उसके बाद आपने क्लिक करना है एडवांस्ड ऑप्शन पे। इतने सारे ऑप्शन खुलेंगे, जो पहला ऑप्शन आपने ट्राई करना है, जो आपने जाना है, आपने क्लिक करना है इस ऑप्शन पे, स्टार्टअप सेटिंग्स पे। इस पर आप क्लिक करो, इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा। आपने करना है रीस्टार्ट पे क्लिक। आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप जो भी होगा वो एक बार रीस्टार्ट होगा, इस तरह के ऑप्शन खुलेंगे आपके सामने। अब आपने क्या करना है, अपने सिस्टम को सेफ मोड में ओपन करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो F5 की होती है ना, यहां पे देखिए लिखा हुआ है ना F5 की, इसको आपने प्रेस करना है ताकि आपका सिस्टम सेफ मोड में ओपन हो जाए। इसको मैंने प्रेस किया और देखिए अब हम जो हमारा लैपटॉप है वो सेफ मोड में ओपन होगा। और सेफ मोड में एक बार जब हमारा सिस्टम ओपन होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो भी आपने रिसेंटली कोई नया सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, या फिर कोई नया गेम डाल रहा है जिसकी वजह से हमें एरर आ रहा है, हम उस सॉफ्टवेयर को या फिर उस गेम को अनइंस्टॉल करेंगे। तो पहले मैं एक बार पासवर्ड डाल देता हूं अपने लैपटॉप का, देखिए यहां पे सेफ मोड में मेरा सिस्टम ओपन हो चुका है, देख सकते हैं यहां पे चारों कॉर्नर पे, देखिए यहां पे सेफ मोड लिख के आ चुका है। देखिए सेफ मोड में सिस्टम ओपन हुआ। अब आपने क्या करना है, विंडोज आइकन पे क्लिक करो और यहां पे आप लिखो कंट्रोल पैनल। जैसे मैंने कंट्रोल लिखा, ऊपर ऑप्शन मिल गया मेरे कंट्रोल पैनल का, इस पर आपने क्लिक करना है, इस तरह का विंडो खुलेगा। आपने क्लिक करना है उसके बाद प्रोग्राम एंड फीचर्स वाले ऑप्शन पे।
ये सारे सॉफ्टवेयर है मेरे सिस्टम में। अगर आपने रिसेंटली कोई नया सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है ना, तो आप डेट वाइज भी इसको शॉर्ट कर सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये सारे सॉफ्टवेयर को डेट वाइज शॉर्ट कर देगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने रिसेंटली कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, और उस सॉफ्टवेयर को आप राइट क्लिक करके उसके ऊपर उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है, अगर आपने रिसेंटली कोई विंडोज का अपडेट अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है तो उसकी वजह से भी आपको एरर आ सकता है। तो विंडोज के अपडेट्स को चेक करने के लिए आप लेफ्ट साइड पे ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू इंस्टॉल अपडेट्स, इस पर आप क्लिक करो तो यहां पे भी आप इनको भी आप डेट वाइज शॉर्ट कर सकते हो। यहां पे जाओगे ना, इस पर आप क्लिक करोगे ना टॉप पे, तो ये सारे डेट वाइज शॉर्ट हो जाएंगे। और अगर आपने रिसेंटली कोई विंडोज का अपडेट मैन्युअली इंस्टॉल किया है ना और उसके बाद से आपको एरर आ रहा है, तो उसको भी आप राइट क्लिक करके उसको भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, इसको कट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने लेना है, आपने क्लिक करना है विंडोज आइकन पे, यहां पे आप लिखो व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग। जैसे मैंने व्यू लिखा, ऊपर ऑप्शन मिल गया मेरे को व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पर आपने क्लिक करना है। इस तरह का विंडो खुलेगा, आपने ये जो ऑप्शन देख रहे हैं यहां पे स्टार्टअप एंड रिकवरी सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके यहां पे ना आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला सिस्टम फेलियर के अंदर, आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक रीस्टार्ट, इसको आपने अनटिक कर देना है ताकि ऑटोमेटिक रीस्टार्ट ना हो। ये हो गया, ओके किया। इसके बाद अपने सिस्टम को आप रीस्टार्ट करो, जो आपका इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको सेम इश्यू आ रहा है तो आपने फिर से एडवांस मोड को ओपन करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, डबल शूट पे जाना है, एडवांस ऑप्शन पे जाना है, यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट का, इस पे आपने क्लिक करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि विंडोज की फाइल करप्ट होने की वजह से भी आपको ये एरर आ सकता है, तो अभी हम क्या करेंगे, विंडोज की फाइल को एक बार रिपेयर करेंगे, मैन्युअली रिपेयर करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो एक बार सिस्टम जो है आपका फिर से रीस्टार्ट होगा, थोड़ा वेट करना है आपने। यहां पे आपको ये अपना लॉगिन यूजर नेम जो है आपके सिस्टम का वो दिखा देगा, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई पासवर्ड यूज करते हो लॉगिन करते टाइम, तो वो पासवर्ड आपको यहां पे एंटर कर देना है। अगर कोई पासवर्ड यूज नहीं करते तो उसको ब्लैंक छोड़ देना, और उसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देना, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आपको एक कमांड टाइप करनी है, वो है /scannow। ये देखिए कमांड आपने डाल ली है, एंटर प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा, जो भी विंडोज की फाइल करप्ट हो गई है ना, ये कमांड उनको या तो रिप्लेस कर देगी या फिर रिपेयर कर देगी। तो थोड़ा वेट करना आपने, आप मैं यहां पे थोड़ी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो गया 100%। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आपने टाइप करनी है वो है chkdsk /f /r/c:। ये कमांड आपने केयरफुली टाइप करनी है, chkdsk /f /r/c:। इससे क्या होगा, अगर आपके हार्ड ड्राइव में कोई भी एरर होगा तो ये कमांड उसको फिक्स कर देगी। ये कमांड टाइप करके आपने एंटर प्रेस करना है, प्रोसेस चालू हो जाएगा, और मेरे केस में जल्दी सॉल्व हो गया क्योंकि कोई एरर था नहीं, बट आपके केस में ये 10 से 15 मिनट का टाइम भी ले सकता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपने इस विंडो को कट करना है, कट किया, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और जो आपका इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। एक फाइनल स्टेप जो आप ले सकते हो इस इश्यू को फिक्स करने के लिए, कि अपने विंडोज को आप रीसेट कर दो, मतलब रीइंस्टॉल कर दो, तो उसके लिए आपने ये सेम विंडो वापस ओपन करनी है, डबल शूट पे जाना है, यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट दिस पीसी, इस पे आपने क्लिक करना है। यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कीप माय फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। रिमूव एवरीथिंग वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं करना है, अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो सारा डेटा जो आपके सिस्टम में पड़ा है वो डिलीट हो जाएगा। हम करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट, कीप माय फाइल्स। इसको अगर आप सेलेक्ट करोगे ना, तो आपके डेस्कटॉप पे आपके अदर पार्टीशन में कोई भी डेटा, कोई भी फाइल रखी है ना, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, सारा डेटा सेफ रहेगा और आपकी जो विंडो है वो भी रीसेट हो जाएगी। क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, कीप माय फाइल्स पे, उसके बाद क्लिक करेंगे लोकल रीइंस्टॉल पे। अब ये रीसेटिंग दिस पीसी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये स्टार्ट होने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताएगा कि इस प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है, तो एक बार उसका वेट करते हैं, एक बार देख लेते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर आपका कोई भी फाइल, कोई भी इमेज फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल, कोई भी एक्सेल फाइल, जहां भी रखी हुई है, कोई भी फाइल डिलीट नहीं होगी, सारा डेटा जो है सेफ रहेगा। यहां देखिए लिखा हुआ है, जो आपका सिस्टम है वो डिफॉल्ट मोड पे आ जाएगा, आपकी जो फाइल्स हैं सारी सेफ रहेंगी, कीप पर्सनल फाइल्स, विंडो जो है वो रीइंस्टॉल हो जाएगी। इसका एक ही ड्रॉबैक है कि जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे ना, वो रिमूव हो जाएंगे।
और जो आपका सिस्टम है वो डिफॉल्ट मोड पे रीइंस्टॉल होकर आ जाएगा और जो डेटा है वो सारा सेफ रहेगा, कोई भी फाइल आपकी डिलीट नहीं होगी पर्सनल फाइल। आपने रीसेट पे क्लिक करना है और उसके बाद हाफ एन आवर का वेट करना है, आपका सिस्टम जो है वो रीसेट हो जाएगा। ये एक फाइनल मेथड है, एक फाइनल प्रोसेस है जिसको अप्लाई करके आप ब्लू स्क्रीन का एरर कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। तो ये था इस वीडियो में, थैंक यू।